हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एंड हियर द क्वेश्चन इज दैट द फैक्टर्स व्हिच इज नॉट लिमिटिंग इन द नॉर्मल कंडीशंस फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कौन सा ऐसा फैक्टर है जो एक लिमिटिंग फैक्टर करके काम नहीं करेगा इन नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। नॉर्मल कंडीशन के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस अकर होगा, उस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यानी कि जो फूड मेकिंग प्रोसेस है, उस टाइम पे जो गिवन ऑप्शंस है उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन जो एक फैक्टर ऐसा फैक्टर है जो नॉर्मल कंडीशंस पे कोई भी अफेक्ट नहीं करेगा। तो बेसिकली चारों भी अफेक्ट करने वाले, या फिर मतलब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस जो होता है उस पे इन्फ्लुएंस करने वाले ये सारे क्या हैं, इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स हैं, राइट, ऑल ऑफ दिस चारों भी। लेकिन जो प्लांट्स पे इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं एक्सटर्नल एंड अदर आर इंटरनल। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल, ये दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं। तो जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो नॉर्मल कंडीशन हमें यहाँ फोटोसिंथेसिस की प्लांट्स में प्लांट्स की पकड़नी है। तो प्लांट्स की नॉर्मल कंडीशन यानी इंटरनल कंडीशन, यानी प्लांट्स का एज, उनका स्ट्रक्चर, उनका साइज, या फिर उनके बॉडी में प्रेजेंट होने वाले कंस्टिट्यूएंट्स, जो मटीरियल कंस्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे प्लांट के कंस्टिट्यूएंट्स कुछ भी हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, उनके प्लांट बॉडी में प्रेजेंट होने वाली जो भी चीज़ें होती है वो इंक्लूड होंगी, राइट। क्लोरोफिल होगा, हार्मोन्स होंगे, ये सारे इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। बट एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं उनमें इन्वॉल्व होता है सनलाइट। ठीक है, वहाँ पे इन्वॉल्व होगा सनलाइट, इन्वॉल्व होगा टेम्परेचर, इन्वॉल्व होगा, साथ ही साथ वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड O2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन इन्वॉल्व होगा, साथ ही साथ वाटर, मिनरल्स, जो भी उन्हें बाहर से मिलता है वो सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो जब हम यहाँ पे एक नॉर्मल कंडीशन को कंसीडर करते हैं, नॉर्मल कंडीशन यानी प्लांट की इंटरनल अंदर की खुद की कंडीशन कंसीडर की जाती है। तो जब ये नॉर्मल है यानी कि प्लांट के अंदर बॉडी में प्रेजेंट होने वाली चीज़ें नॉर्मल कंडीशंस में हैं, तो ऑब्वियसली ये जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर A, C एंड जो D में दिया गया है यानी कि वाटर, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, तो ऑब्वियसली ये हम यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में लिमिटिंग फैक्टर्स होंगे ज़रूर। लेकिन क्लोरोफिल जो ऑब्वियसली इंटरनल है, जैसे कि हमने बात किया कि इंटरनल फैक्टर है, तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल कंडीशंस में एक लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर B विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।